एवरीवन, वेलकम टू गुरु माइंड डिटारो। और ये रीडिंग है सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस थर्ड वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा, नेचर, द सेट, द स्टार, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द बैटल वैगन। ओके, तो हमारे पास नेचर का कार्ड है। आई थिंक कोई पर्सन कुछ प्रिपरेशन कर रहा है। आपका पर्सन सोच रहा है कि वो किसी तरह की सिचुएशन में आपको ट्रैप कर सकते हैं। आई मीन किसी तरह की सोच में आपको डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ये लगे कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, या आपको अप्रोच करना चाहिए उन्हें। ये पर्सन हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेप ले जिससे आपको ये लगे कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, बहुत हेल्पलेस है और आपके वेल विशर हैं। एंड शायद आपसे ही कई गलती हो गई, स्पेशली अगर आपके बीच में नो कम्युनिकेशन है। उस केस में तो ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहा है कि इनिशिएटिव आप लें। और द सेट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हो सकते हैं और फील कर रहे हो सकते हैं। आई मीन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे साइंस हो सकते हैं जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका रास्ता कहाँ जा रहा है, या आपको किस स्टार को फॉलो करना चाहिए। द स्टार के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा इस वीक में कि आप जिस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। पर यहाँ पे टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ वेट कीजिए, क्योंकि द बैटल वैगन के साथ आप में से ज़्यादातर लोग रेस्टलेस हो सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आप इस पर्सन को हमेशा के लिए लूज कर देंगे, या ये पर्सन कहीं चला जाएगा और फिर आप अकेले हो जाएंगे। स्पेशली तब जब इस सेपरेशन के लिए या इस पूरी सिचुएशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप सिंगल हैं और किसी की बॉडी लैंग्वेज आजकल आपको कुछ अजीब लग रही है, स्पेशली उनकी जिसका आप पे क्रश है और जिस पे आपका क्रश है, उस केस में आपको वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आपका जो क्रश है ये बहुत अच्छे तरीके से माइंड गेम्स खेलना जानता है, और ये जानते हैं कि कैसे चीज़ें आपसे शुरू की जाए या आपको इनिशिएटिव लेने पे मजबूर किया जाए। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई आपसे कुछ गलती हुई है या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं इस पर्सन को। उस केस में कोई बुराई नहीं है, पर आपको ये समझना होगा कि सच क्या है। डिटेल में जाइए, किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में जाके ये समझना ज़रूरी है कि ये पर्सन क्या ऐसा
फील कर रहा है और जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा. ओके, ये आपको दिखा जरूर रहे कि सामने शिप खड़ा है एंड आप जल्दी नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे, और यू नो हमेशा उनके पास एक ऑप्शन है मूव ऑन करने का. पर तो आपको किसी भी बात में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैसला जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आसपास के साइंस को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए. अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है या कुछ साइन दे रहा है किसी मैसेज के थ्रू, किसी स्ट्रेंजर के थ्रू, किसी नंबर के थ्रू, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए. अपने इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट होती है, रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. और आप चाहें तो सन एंड मून साइन या मून एंड राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं, और पिछले वीक और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सबसे रेजोनेट होती है, हो सकता है आप में से ज़्यादा लोगों के लिए रेजोनेट हो ही जाए. चलिए और मैसेजेस देखते हैं. Queen of Pentacles, Page of Athens, The High Priest. Knight of Chalices, and Harvest. Relax करिए. Libra, Three of Wands के साथ भले ही आपको कितना भी लग रहा है कि ये person चला जाएगा, ये person कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि Knight of Cups के साथ ये वापस आपके पास आने वाले हैं. Okay, इन्हें पता है कि आप कौन हैं और कितने मायने रखते हैं इनके लिए. Harvest के कार्ड के साथ By the end of the week, आपको ये पता चलेगा कि आपके efforts का reward आपको मिल रहा है. आप जो कुछ भी expect कर रहे थे वो कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा. अगर आप इस person का एक call expect कर रहे थे तो हो सकता है ये आपको एक ही दिन में कई सारे call कर दें, इतना कि आप संभाल नहीं पाएंगे. हो सकता है आप कुछ और expect कर रहे हो, किसी तरीके का gift, किसी तरीके का message, किसी तरीके का explanation. आप जो भी expect कर रहे हैं, जो भी आपकी wish है, वो आप जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप प्रैक्टिकल हैं, आप स्मार्ट हैं, और इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा मैच्योर पर्सन, आपके जैसा सीरियस पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा. पेज ऑफ एडम्स के साथ ये पर्सन आपका साथ मैनिफेस्ट कर रहा है. ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि आप दोनों एक साथ हो, और इस पॉइंट पे इस पर्सन के दिमाग में और कुछ चल भी नहीं रहा. इनके लिए इनकी रिलेशनशिप अब एक प्रायोरिटी है. इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी सब कुछ खफा चुके हैं, या अगर इनके पास सब कुछ है भी तो भी उसका कोई मतलब नहीं है. द हाई प्रीस्ट के साथ ये पर्सन अब काफ़ी समझदार हो चुका है. इतने समय में इन्होंने काफ़ी विजडम बटोरी है. हालांकि अभी भी थोड़ा सा गेम खेलना चाहते हैं. आई मीन सोच रहे हैं कि क्यों ना आप ही अप्रोच कर लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अप्रोच नहीं भी करेंगे तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा जल्द ही. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. Go first, the universe will catch you. तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले आगे बढ़िए और यूनिवर्स आपको कैच कर लेगा. आप घबराइए मत, जो सोच रहे हैं बस उसे एग्जीक्यूट कीजिए और चीजें अच्छी ही होंगी. मतलब इस कार्ड के कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या कोई
कोई आइडिया है जिसको यू नो रियल लाइफ में लाने से पहले आप डर रहे हैं, तो मत डरिए, क्योंकि जो भी चीज है वो आप अकेले हैंडल नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है. ओके, तो किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है. यह है रीडिंग सितंबर के 3rd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.